Good morning. This video is especially for BDS graduates, MDS graduates, BPT graduate, B Pharma graduate, lot of people, youngsters, aspirants who want to go to Canada, want to study in Canada, and mostly have a common query regarding Canada, that how they will go to Canada. First of all, the flow chart, उनके flow chart में first चीज ये है कि क्या आपके पास passport है? Number two, क्या आपके पास IELTS का score है 6.5 या 7 each, BDS, BPT, B form, ये सभी लोग पूछते हैं कि हमने सर आपकी वीडियो देखी है, we have seen your lot of videos regarding MPH and regarding Master in Public Health and Master in Health Administration या Master in Hospital Administration. We want to do those courses in Canada or we want job there. तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि direct job थोड़ा मिलेगी, दूसरी direct admission थोड़ा मिलेगी. आपने BDS कर ली, passport है आपके पास, IELTS है आपके पास, आप उन कोर्सों में admission लेना चाहते हो, ICCRC Lawyer के थ्रू आप ले सकते हो एडमिशन, मगर आपका एडमिशन में पंगा पड़ सकता है. क्या पंगा है एमपीएच में? मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो कनाडा के किसी प्रोविंस में, या मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो आपकी रेलिवेंट स्टडी नहीं है. आपकी रेलिवेंट स्टडी ना होने की वजह से, मान लीजिए आप BDS हो, तो BDS में आपने सोशल प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री पढ़ी है, प्री ऑर्थोडोंटिक्स पढ़ी है, प्री ऑपरेटिव पढ़ा है आपने, प्रोस्टोडोंशिया पढ़ा है, पेरीडोंटिक्स पढ़ा है, मगर आपने पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड तो कुछ नहीं पढ़ा. ऐसे ही बी फॉर्म वालों ने फार्मास्यूटिक्स पढ़ी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है, फॉरेंसिक फार्मेसी पढ़ी है, एनाटॉमी पढ़ी है, फिजियोलॉजी पढ़ी है, सर्जरी पढ़ी है, इसके अलावा फार्माकोग्नोसी पढ़ी है, मगर आपने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा. एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी वालों ने ऑर्थोपेडिक्स पढ़ी है, काइनेसोलॉजी पढ़ी है, एनाटॉमी पढ़ी है. फिजियोथेरेपी के जितने भी एक्सरसाइज थेरेप्यूटिक्स वाले फंडामेंटल्स हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, फलक्रम है, ये पढ़ा है, मसल स्ट्रेंथनिंग पढ़ी है, ओरिजिन पढ़ी है, इंसर्शन पढ़ी है, मस्कुलेचर पढ़ा है, मगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के फंडामेंटल्स नहीं पढ़े, पब्लिक हेल्थ की एपिडेमियोलॉजी नहीं पढ़ी, तो फिर आपकी रिजेक्शन पक्की है. तो एक फंडा है, आप 3 महीने का, 6 महीने का हमारे इंस्टीट्यूशन से कॉरेस्पोंडेंस या ऑनलाइन कोर्स कर लो पब्लिक हेल्थ का. तो पब्लिक हेल्थ वाला जो करिकुलम है आपका मास्टर्स का या पीजी डिप्लोमा का, वही का बेसिक्स मॉड्यूल हम आपको कॉरेस्पोंडेंस में देंगे. सर्टिफिकेशन फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो कि जिसके पास NOC है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का, और डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट से हम अप्रूव्ड भी हैं, तो वो सर्टिफिकेशन जरूर लगाएं, क्योंकि अगर आपके SOP में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में रेलिवेंट स्टडी नहीं आएगी, तो नेचुरली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. तो नेचुरली क्या होता है, बहुत सारे BDS वाले, BPT वाले, MDS वाले कोशिश करते हैं कि कंसल्टेंट से एडमिशन ले लेते हैं, मगर रेलिवेंट स्टडी ना होने की वजह से, क्योंकि 3 महीने 6 महीने के कोर्स की फीस 29,000 है ऑलमोस्ट. आज की डेट में हर बंदे का कोई ना कोई गैप है, रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग या चॉइस बेस्ड क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के बेस पे वो स्टडी गैप जस्टिफाई किया जा सकता है. तो दोस्तों, अगर आपको 1% मेरी बात पे यकीन है, तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपने 9872468540 मोबाइल उठाइए, उस व्हाट्सएप पे आपने 29 लिखना है, ये कोड नंबर है, 29,000 हो गया, आगे लिखना है CC कॉरेस्पोंडेंस, आगे लिखना है पब्लिक हेल्थ, या आपने लिख देना है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स फॉर रेलिवेंट ब्रिजिंग गैप
फॉर कैनेडा, ताकि इससे मेरे को अंदाजा हो जाएगा आप क्या कहना चाहते हो कि आपको गैप ब्रिज करना है, आपने उस टाइम में सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन दे के लेनी है, तो हमारा वो गैप जस्टिफाई हो जाएगा, आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो चीज ऐड हो जाएगी। तो नेचुरली क्या है कि मैं कोई इमिग्रेशन लायर नहीं हूं, आपको रेलिवेंस बता रहा हूं, तो उस रेलिवेंस की बिना पे आप कनाडा में लैंड कर जाओगे, क्योंकि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ हो गई, MHA हो गया, उसमें आपका PR पक्की है कनाडा में, ठीक है। तो ये जरूर आप कीजिए, और अगर आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए हमारी संस्था से, उस कोर्स को करने के बाद 3-4-6 महीने में एज ए इंटर्नशिप या एज ए ट्रेनिंग, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो दोस्तों, अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कतई भी फ़ोन मत कीजिए, ये कोड नंबर उसमें डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, हमारी वेबसाइट देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हौसला हो जाएगा हमारे को। हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com और मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9872468540। धन्यवाद दोस्तों।